हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम आम बात है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लंबे समय तक यह स्थिति रहे तो साइनस हो सकता है। इसे साइनसाइटिस भी कहा जाता है। इसमें बैक्टीरियल, वायरल और फंगल संक्रमण के कारण सिर में दर्द महसूस होता है और नाक बंद हो जाती है। डॉक्टर के अनुसार साइनसाइटिस से नाक और चेहरे पर सूजन आ जाती है और नाक से तरल पदार्थ बहना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है और किसी तरह की गंध का पता नहीं चलता। आमतौर पर सर्दी जुकाम जाने के साथ साथ ही साइनस भी ठीक हो जाता है, लेकिन यह स्थिति 8 हफ्ते से अधिक तक बनी रहे तो इसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे साइनसाइटिस की समस्या से निजात पाने के लिए होम रेडीमीज असरदार साबित होती है। साइनस के कारण सिर, नाक और चेहरे पर लगातार दर्द होता है और छींक आती रहती है। इससे इंसान कमजोर हो जाता है। बिना दवा के ठीक होने के लिए सबसे जरूरी है आराम और अच्छी नींद। इसके बाद ही कोई घरेलू इलाज कारगर साबित होगी। साइनस की स्थिति में पानी या तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इससे होता क्या है कि इससे हमारी शरीर हाइड्रेट रहेगी, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। याद रहे कि साइनस की स्थिति में गुनगुना पानी पिए, साथ ही अदरक वाली चाय या कॉफी का भी सेवन कर सकते हैं। फलों का जूस पीने की बजाय आप गर्म तासीर वाले फल खाएं। साइनस में भाप लेना जरूरी है। एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें। गर्म पानी के बर्तन को अपने सामने रखें, अपने सिर और गर्म पानी के बर्तन को एक बड़े से टॉवल में ढक लें। अब आप गर्म पानी का भाप ले सकते हैं। इससे नाक के अंदर तक आराम मिलेगा। एक और तरीका यह है कि पानी में नमक और बेकिंग पाउडर मिलाएं और इसे सूंघें, या स्प्रे बॉटल से इसे थोड़ा थोड़ा नाक में स्प्रे भी किया जा सकता है। डॉक्टर के अनुसार अदरक में कफ को खत्म करने के गुण होते हैं। साइनस में शहद के साथ अदरक का उपयोग फायदेमंद है। तुलसी कई बीमारियों का इलाज है। रोज सुबह तुलसी की 4-5 पत्तियां खाने या तुलसी का काढ़ा बनाकर पीने से कफ निकलता है और साइनस जल्दी ठीक हो जाता है। लहसुन भी हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है। लहसुन की 2-3 कलियों को भूनकर चबाएं। साइनस के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। जहाँ तक संभव हो गुनगुने पानी का सेवन करें, ठंडे पानी से बिल्कुल ना नहाएं, धूम्रपान और शराब पूरी तरह से छोड़ दें। खाने पीने का समय तय रखें, देर रात तक न जागे, सही समय पर सोएं और पूरी नींद लें। जिन लोगों में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम है, वे बेमौसम घर से बाहर न निकलें। साइनस ठीक रखने में अनुलोम विलोम योग बहुत फायदेमंद है। हे दोस्तों, हमने अपने इस YouTube चैनल पर हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आप आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल हेल्थ फर्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए।